করোনা সংকটে স্বাভাবিক জনজীবনের চেনা ছন্দ আজ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সামাজিক দূরত্ববিধি মানুষকে এক নতুন জীবনশৈলীতে বাধ্য করছে, কিন্তু করোনা মোকাবিলায় এই মুহূর্তে তার বিকল্পও নেই। এদিকে চলমান জীবনের অন্যতম নিদর্শন ভারতীয় রেলওয়ে আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাত্রীবাহী পরিষেবা বন্ধ রেখেছে, যদিও কিছু বিশেষ ট্রেন এবং বিশেষ করে মালবাহী ট্রেনগুলো চলাচল করছে। এছাড়া বহু জায়গায় রেলের কোচকে করা হয়েছে অস্থায়ী কোভিড-19 হাসপাতাল। এইসব প্রসঙ্গে আজ আকাশবাণী শিলচর কেন্দ্রের পক্ষে কথা বলি ভারতীয় রেলের IRTS ক্যাডারের অফিসার তথা এরিয়া রেলওয়ে ম্যানেজার বদরপুর এস উমেশের সঙ্গে। তিনি জানালেন, রেলওয়ে মে সিফ প্যাসেঞ্জার অপারেশন লিমিটেড কি গে হ্যাঁ হামারে এরিয়া মে গুডস অপারেশন পার্সেল অপারেশন আপকা কোচিং অপারেশন মে রাজধানী চল রা হ্যাঁ মেন্টেনেন্স স্পেশাল হ্যাঁ মেন্টেনেন্স এন্ড স্টাফ স্পেশাল গাড়িয়া চলি রই অভি ক্যা প্যাসেঞ্জার ট্রেন শুরু হোনে কা কোই বাত চল রা না নেই নেই অভি হাম লোগ প্যাসেঞ্জার ট্রেন স্টেট গভর্নমেন্ট কা আগর ডিমান্ড হ্যায় কহীন সে তবহি চলায়েঙ্গে ক্যোঁকি স্টেট গভর্নমেন্ট কা আপনা স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রোসিজার হ্যায় হ্যাঁ হ্যাঁ জেসে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মুভমেন্ট কে লিয়ে ইন্টার স্টেট মুভমেন্ট কে লিয়ে মুভমেন্ট কে পহলে স্ক্রিনিং হোনা পড়েগা মেডিকেল চেকআপ এন্ড উসকে বাদ বোর্ডিং করেঙ্গে টিকেট দেঙ্গে তো উইথাউট স্টেট কা পারমিশন এন্ড কনসেন্ট হাম গাড়ি নেই চলায়েঙ্গে তো স্টেট হ্যাজ টু রিকোয়েস্ট ফার্স্ট জেসে আগর সাপোজ আপকো কোই গাড়ি সিলচর সে আগরতলা চলানা হ্যায় এন্ড দোনো স্টেট গভর্নমেন্টস কা আগর উসমে রিকোয়েস্ট আতা হ্যায় দেন ডেফিনেটলি রেলওয়ে উসকো প্রসেস করনে কে লিয়ে রেডি হ্যায় জো কাম হাম লোগ জেসে আগর 100 লেবর হাম লোগ প্রি কোভিড টাইম মে দিন রাত কাম করা কে কর সকতে থে অভি ডিউ টু সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং নর্মস মাস্ক রেগুলার হ্যান্ড ওয়াশিং ইস সব কে চিজোঁ কে কারণ দ্য স্পিড ইজ রিডিউসড জো কাম পহলে 3 দিন মে হো সকতা থা থোড়া 5 দিন লাগ জাতা হ্যায় 1-2 দিন এক্সট্রা লাগ জাতা হ্যায় इसमें हमारा थोड़ा टाइम लगा था। सिमिलरली हमारा जो गुड्स ट्रेन जो इनकमिंग आते हैं उसमें भी हमारा जो लेबरर्स हैं वी आर एंश्योरिंग दैट सबको मास्क सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें तो जो रिलीज का जो टाइम है पहले जो 5-7 घंटे में पूरा रेक रिलीज हो जाता था अभी वो ट्रेन रिलीज होने में आपको ज्यादा 13-14 घंटे लग जाता है तो इसके लिए कुछ दिन के लिए ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड इसके लिए स्पेशल कंसेशन भी दिया था कि डेमरेज एंड वॉरफेयर चार्जेस कैलकुलेट नहीं होंगे करके। अच्छा, और आपका जो एक्सटेंशन प्लान थोड़ा बहुत है नॉर्थ ईस्ट में, स्पेसिफिकली वो मिजोरम है, इधर मणिपुर भी है, तो अभी कोरोना सिचुएशन में ये क्या थोड़ा डिफर्ड हो रहा है? नहीं नहीं, ये एक्चुअली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मिशन मोड प्रोजेक्ट है, तो पीएमओ खुद मॉनिटर करता है एंड ये कोई भी काम रुके नहीं है, ऑन टारगेट चले ही रहे हैं। जैसे आपका इम्फाल टू पुल वाला जो प्रोजेक्ट है, इम्फाल तक 23 में कनेक्ट करने का डेडलाइन है, उसमें भी प्रोग्रेस है। सायरंग प्रोजेक्ट में भी काम चल रहा है, हमारे जितने भी कंस्ट्रक्शन के टीम्स हैं दोनों जगह कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। कोविड के लिए आप लोगों ने थोड़ा बहुत अपने रेट का आपने डेडिकेट किया था, तो इसका स्थिति हमारा बराक वैली में अभी क्या है? बराक वैली में हमारा अभी भी 10 कोचेस इसके लिए हम लोग ने रखे हैं, बट वो एकदम प्लान बैकअप प्लान के लिए है। जहाँ पे भी अगर कंडीशन बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है एंड क्वारंटाइन फैसिलिटीज मिलते नहीं है, देन ऑन रिक्वेस्ट फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वी प्रोवाइड दोज कोचेस। इसको जैसे ऑपरेशनलाइज करने के लिए वो तो एक कोच एक डब्बा ही है ना, डब्बा को हमने मॉडिफाई करके अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर ये लिनन एंड फिर आपका मिडिल बर्थ हटा के स्पेशियस कर्टेन के साथ लगा दिया है। तो इसको चलाने के लिए आपको दो चीज रिक्वायर्ड है, एक आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट्स लाइक बिजली पानी, ये वाटरिंग एंड चार्जिंग फैसिलिटी आपको कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस में ही मिलेंगे, जैसे सिलचर हो गया, बदरपुर स्टेशन हो गया, अगरतला स्टेशन हो गया, बट ये जगह में आपका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, होटल्स हैं, ये सब एडिक्वेट नंबर्स में अभी अवेलेबल हैं, इसलिए अभी तक कोचेस यूज करने का रिक्वेस्ट से नहीं आया है। इसका दूसरा एस्पेक्ट है, इसको ऑपरेशनलाइज करने के लिए आपको मेडिकल टीम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होगा, एक डॉक्टर्स का टीम कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करे, उसमें क्वारंटाइन का जो बेडशीट है, लिनन है, उसको प्रॉपर सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा, यू नीड अ सैनिटाइजेशन टीम। तो सिंस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के टीम्स आर लिमिटेड इन नंबर, दे आर फोकसिंग देयर एनर्जीज ऑन हॉस्पिटल्स एंड क्वारंटाइन सेंटर्स, जहां पे वो लोग इसको प्रॉपरली मॉनिटर कर सकें।
रेलवेज का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है. से फॉर इंस्टेंस इन बदरपुर करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में या फिर अगरतला त्रिपुरा वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, दोनों जगह में हम लोग ने रेलवे का एरिया दिया है टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. बदरपुर में फॉर इंस्टेंस उनका पूरा करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का जितना भी स्वैब कलेक्शन होता है, टेस्टिंग जो होता है, वो सैंपल्स रेलवे स्टेशन में ही कलेक्ट किए जा रहे हैं. हम लोग ने यहाँ के मेडिकल टीम के लिए हमारा रनिंग रूम प्रोवाइड कर दिया ताकि स्टेशन के पास ही उनका मेडिकल टीम आके रह सके. वो अलग से आइसोलेटेड है, उसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन होता है. हमारे फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल्स, हमारे VIP लाउंज, हमारे जितने भी रिटायरिंग रूम्स हैं, ये सब हमने डिस्ट्रिक्ट टीम्स को प्रोवाइड कर दिया है ताकि उनका जॉब 24/7 वो लोग स्मूथली अच्छे से कर सकें. हमारी जो क्लीनिंग टीम्स हैं वो रेगुलरली वो एरियाज को सैनिटाइज कर रहे हैं. सो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क इन कोलैबोरेशन विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन बराक वैली ऑल्सो एज वेल एज त्रिपुरा. तो जब भी रिक्वायरमेंट होगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से तो आप पूरा रेडी है, मतलब दस रैक अप का रेडी है अभी? Yes, definitely. All our resources and manpower, हमारे staff, even our limited number of doctors, हम सब लोग, हमारे resources are always ready for the service of the public. We are happy to help. I would like to appeal to the people of Barak Valley and Badarpur subdivision area that we should not become complacent. अभी हमारे numbers बढ़ते जा रहे हैं. बिल्कुल हमें complacent नहीं होना चाहिए कि corona हमारे area में नहीं है. We should behave as if हमको कोरोना ऑलरेडी हो गया हो. हमको फुल टाइम मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल फॉलो करना चाहिए. जब तक हम ऐसे सोच के चलेंगे कि हमको कोरोना ऑलरेडी हो गया है एंड उस टाइप का हम लोग लॉकडाउन का मेजर्स फॉलो करेंगे, घर में रहेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, ज्यादा मिंगल नहीं करेंगे, उतना ही जल्दी वी कैन रिकवर. आकाशवाणी शिलचर केंद्र पक्षे अनिर्बाण ज्योति गुप्ता.